तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। कानून की ये संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA है। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में बदलाव आ जाएगा। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफ़ी बदलाव होगा। आपको बता दें, वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे और अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएँ अब बदल चुकी हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जिन तीन कानूनों में बदलाव हुआ है उनके पुराने नाम क्या थे और बदलाव के बाद क्या नाम रखे गए हैं और पुराने कानून कब लागू हुए थे और नए कानून में क्या है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो देखिए, पहले IPC की धारा 1860 आपको याद होगा, ये हो गई है भारतीय न्याय संहिता। CRPC 1898, ये हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये तीनों जो धाराएं थी ये अंग्रेजों के समय की, जिसमें IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट 1872, 1898, 1860। अब नए भाव समझ लीजिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये आज से तीन नए कानून इस देश में लागू हो गए हैं और ये उनके नाम भी हैं। पहले इन्हें किस नाम से जाना जाता था, अब बदलकर ये क्या नाम से हो गए हैं। IPC बन गया है भारतीय न्याय संहिता, CRPC बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नए कानून में क्या क्या शामिल है एक एक करके बताते हैं। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, ये पहली बार है जब आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, ये नए कानून में शामिल है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह का अपराध बना है, पहले जिसे राजद्रोह के नाम से जाना जाता था अब वो देशद्रोह कहा जाएगा, ये है नए कानून में शामिल। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा भी है नए कानून में, समझिए इसको और कड़ा कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ से होने वाली हत्या, पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे FIR, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। कोई बंधन, कोई दायरा क्षेत्रफल का, जगह का नहीं है, कहीं भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं और प्रगति रिपोर्ट क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है आपकी जांच की आपको पता चलेगा। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़ित का पक्ष हर हाल में सुना जाएगा, एक तरफा केस आप वापस नहीं ले सकते हैं, ये इस नए कानून में प्रावधान दे दिया गया है और साथ ही साथ पीड़ित का पक्ष भी सुना जाएगा। तो ये नए कानून में शामिल है। अब देखिए, तकनीक के इस्तेमाल पर इसमें जोर दिया गया है। FIR, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल होंगे, यानी कि अब डिजिटल तौर पर FIR, केस डायरी, चार्जशीट तक डिजिटल होगी। जजमेंट डिजिटल चल भी रहे हैं लेकिन अब इस तकनीक पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी भी दिखाई दे रही है। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझिए। अगर पुलिस आपकी तलाशी लेती है या कुछ जब्त करती है, अनिवार्यता है, हालांकि अभी ऑडियो वीडियो चल रहे थे लेकिन देखिए अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, ऐसा करना ही होगा, ये नए कानून में शामिल है। तो ये नए कानून की तमाम धाराएं हैं और क्या क्या इसमें शामिल है हम आपको बताते हैं एक एक करके। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी है, मतलब तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो, अब गवाह जो होंगे उनके भी ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी इस नए कानून में शामिल है। तो ये तमाम बातें हैं नए कानून से जुड़ी हुई। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान भी इस नए कानून में किया गया है।
और पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान एक तिहाई सजा काटने पर जमानत मिलेगी। यानी पहली बार का कोई अपराधी है और ट्रायल पूरा कर लेता है तो एक तिहाई सजा काटने पर आपको जमानत मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भगोड़े अपराधी जो होते हैं उनकी संपत्ति जब्त तो कर ली जाएगी। ऐसे अपराधी जो भाग गए हैं, फरार हैं, उनकी संपत्ति जब्त होगी। ये इस नए कानून में शामिल है। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड का साक्ष्य माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड है तो वो साक्ष्य माने जाएंगे। ये भी इस नए कानून के तहत प्रावधान है। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा, यानी कि होल्ड नहीं होगा, फाइल बंद नहीं होगी और मुकदमा चलेगा। और आतंकवाद शब्द को पहली बार नए कानून में परिभाषित किया गया है। तो ये जानकारी हुई नए कानून से तमाम जुड़ी हुई। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए कानूनों के अमल में आने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि आज़ादी के 77 सालों के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी और अपनी संस्कृति के अनुरूप होगी। साथ ही कहा कि अब दंड की जगह न्याय ले लेगा। शाह ने ये भी बताया कि दफाओं और चैप्टर्स की प्राथमिकता तय कर दी गई है और इसमें पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के लिए है। गृह मंत्री ने बताया कि राजद्रोह को जड़ से समाप्त कर दिया है। शाह ने कहा कि पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था, ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय प्रक्रिया अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, सभी भाषाओं में शामिल की जाएगी। तीनों कानूनों के एक बार पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाने के बाद FIR दर्ज किए जाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने तक 3 साल से अधिक वक्त का समय नहीं लगेगा। वहीं मॉब लिंचिंग को लेकर कहा कि मॉब लिंचिंग के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नए कानून में मॉब लिंचिंग को समझाया गया है। राजद्रोह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन हमने इसे खत्म कर दिया। विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। गैंग रैप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद और कुछ तकनीकी तैयारियां करनी है, ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को FIR की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें
7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो देश में अपराध और न्याय के लिए आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। आपराधिक घटनाओं की प्राथमिकता के नए कानून के अनुसार ही दर्ज होगी और संगीन अपराधियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। पीड़ित और गवाहों को धमकी या लालच देकर मामले को प्रभावित करना या कोर्ट के बाहर समझौता करना अब आसान नहीं होगा और तमाम बदले नियम कानून से आमजन को भी राहत मिलेगी। और आज सीएम भजन लाल शर्मा ने VC के जरिए प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों से वर्चुअली संवाद किया। चलिए आपको प्रदेश भर से अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, सुजानगढ़, सुमेरपुर, सीकर और तमाम जिलों की तस्वीरें हैं। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सीएम भजन लाल शर्मा ने ही संबोधित किया है। डिडवाना, पर्वतसर, कोलायत की ये तस्वीरें, सुजानगढ़, सुमेरपुर और सीकर की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने VC के जरिए संबोधित किया और आज से ये नए 3 कानून लागू हो चुके हैं। अंग्रेजों के समय के कानून अब बदल दिए गए हैं। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब कानूनों में बदलाव किया गया हो, यानी कि 77 साल बाद देश को आज़ाद हुए आज से नए कानून अस्तित्व में आ गए हैं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने VC के जरिए संबोधित किया। आज 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून अपने देश में लागू हुए उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में VC आयोजित की गई थी, जिसमें अपने थाना क्षेत्र के CLG मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए, जिसमें नए कानूनों के संबंध में जानकारी।